हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। रेड नेटवर्क की खास पेशकश जीवन गाथा में आज बात राजस्थान के निर्माता की। राजस्थान की धरती ने देश को तमाम दिग्गज नेता दिए हैं, उनमें से एक नाम है भैरव सिंह शेखावत का, जो कभी राजस्थान की आवाज और ताकत हुआ करते थे। उन्हें भ्रष्टाचार का शत्रु और आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। राजस्थान के सर्वमान्य नेता भैरव सिंह शेखावत 10 बार विधायक, 3 बार मुख्यमंत्री के अलावा 3 बार राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, एक बार राज्यसभा सदस्य के साथ साथ भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी विराजमान रहे। देश की सियासत में सभी दल और उनके नेता उनका काफी सम्मान करते थे। आम लोगों के लिए कुछ काम करने की ललक उन्हें भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की इच्छा की वजह से वो पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और आम लोगों के लिए खुद को खफा दिया। कहते हैं भैरव सिंह शेखावत शायद ही राजस्थान का कोई ऐसा गांव हो जहां वो नहीं गए हों। साल 1977 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नाम जनता पार्टी हुआ करता था। 1980 में भैरव सिंह शेखावत के इस्तीफे के बाद एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई और 10 साल तक काबिज रही, लेकिन एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब रहे और 4 मार्च 1990 को राजस्थान के दोबारा मुख्यमंत्री बने। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में वो लगातार 4 बार विधायक बने। 1972 विधानसभा चुनाव में वो गांधीनगर सीट से चुनाव लड़े और एक बार चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने विरोधी से कहा, तुम जीत जाओगे। इसके बाद जब चुनाव नतीजे आए तो भैरव सिंह शेखावत हार गए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान वे करीब 2.5 साल जेल में रहे। साल 1923 में जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने के खाचरियावास गांव में एक सामान्य राजपूत किसान परिवार में जन्मे भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनसंघ की पहली पीढ़ी के नेताओं में से थे। भारतीय जनता पार्टी या फिर जनसंघ को पालने पोसने में जिन नेताओं का नाम सबसे पहले आता है उनमें वाजपेयी, आडवाणी के बाद भैरव सिंह शेखावत आते हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा लगाकर आजीवन संघर्ष किया। अटल, आडवाणी और भैरव सिंह, इनके बीच सियासत से परे एक दोस्ती थी। इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक माना जाता है। इन तीनों के बीच दोस्ती के अध्याय की शुरुआत राजस्थान से ही शुरू हुई। 1982 में भैरव सिंह शेखावत की बेटी का विवाह हुआ और इस विवाह समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हुए और भैरव सिंह शेखावत ने
वाजपेयी जी को अपनी बेटी का कन्यादान का मौका दिया। कहते हैं एक बार उनके गांव में टिड्डों के हमले से खेतों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद भी उन लोगों से लगान वसूला गया। जो बात भैरव सिंह शेखावत को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध किया। इसी तेवर ने उन्हें राजस्थान की सियासत के शीर्ष तक पहुंचा दिया। उनकी मां को एक विद्वान ने कहा भी था कि उनका बेटा आगे चलकर बड़ा नाम करेगा। साल 1952 के पहले आम चुनाव में जब वो पुलिस में थे, तब जनसंघ को दाता रामगढ़ से कोई ठीक उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। तब किसी के कहने पर आडवाणी ने उन्हें टिकट दिया था। इसके बाद वे जनसंघ से जुड़ गए। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार ने जब जमींदारी उन्मूलन का काम शुरू किया तो राजस्थान के विधायकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन भैरव सिंह शेखावत और जगत सिंह झाला ने इसका समर्थन किया, जिसके बाद जनसंघ के विधायकों ने उन्हें पार्टी से निकालने की मुहिम शुरू कर दी। लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने दिल्ली जाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय से मिलकर अपना पक्ष रखा। दोनों ने भैरव सिंह की बात सुनी और उनका समर्थन किया। भैरव सिंह शेखावत ने खुद गरीबी झेली थी, लिहाजा उन्हें गरीबों का दर्द पता था। वे हमेशा गरीबों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे और उन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया था। उन्होंने राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की और पहली बार राजस्थान में इसे लागू किया। बाद में इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया, जिसका संयुक्त राष्ट्र ने खूब तारीफ किया। उस समय विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष ने भैरव सिंह शेखावत को भारत का रॉकफेलर कहा था। इसके अलावा अपना गांव अपना काम और काम के बदले अनाज योजना उन्होंने ही शुरू की थी, जिसके बाद में केंद्र सरकार ने भी पूरे देश में लागू किया। साल 2002 में भैरव सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और देश के 11वें उपराष्ट्रपति बने। वहीं साल 2007 में उन्होंने स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पर भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और उन्हें एनडीए का समर्थन मिला, बावजूद इसके वे चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 84 साल की उम्र में भैरव सिंह शेखावत को कैंसर हो गया और तमाम इलाज के बावजूद वे ठीक नहीं हो सके। मई 2010 में भैरव सिंह शेखावत का निधन हुआ। भैरव सिंह शेखावत जब तक जीवित रहे तब अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रोजाना अटल बिहारी वाजपेयी के आवास उनका हाल चाल जानने जाते थे। इतना ही नहीं, राजस्थान के आरएसएस से जुड़े व्यक्तियों से भी उनका लगाव हमेशा रहा। भैरव सिंह शेखावत जातिवाद के बहुत बड़े विरोधी थे। यही नहीं, सच्चाई के लिए वो किसी से भी जूझने को तैयार रहते थे। 1987 में जब सती कांड को लेकर राजस्थान में विवाद छिड़ा हुआ था,
तो राजपूत समाज की नाराजगी का परवाह किए बिना उन्होंने इसका विरोध किया। यही नहीं, कांग्रेस सरकार जब सती कांड को लेकर कानून लाई तो इसका समर्थन किया, जिसके लिए उन्हें राजपूत समाज ने गद्दार तक कहा। लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यही नहीं, आज उन्हें चुनिंदा मौके पर ही याद किया जाता है। लेकिन राजस्थान और आम लोगों के लिए अपना जीवन खपाने वाले भैरव सिंह शेखावत जैसे इंसान को यूं ही नहीं बुलाया जा सकता। तो रेड नेटवर्क की खास पेशकश जीवन गाथा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।